जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। फ्रेंड आज हम कवर करने वाले हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23। काफ़ी इम्पोर्टेंट सम्मेलन है फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय। यहाँ से हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन आते ही आते हैं करंट अफेयर्स में, तो आपको एक ही जगह पे सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मिल जाएंगे। आपको अपने एग्जाम से एक से दो दिन पहले इस वीडियो को देख लेना ताकि आपकी क्विक रिविजन हो जाए और आप आराम से एक से दो क्वेश्चन जो यहाँ से आते हैं इजिली कवर कर लें। ठीक है, मैं सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपको दिखा दूंगा, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो बता दूंगा, और आपको क्या करना है कि एक से दो दिन पहले अपनी वीडियो देखनी है और जो भी यहाँ से क्वेश्चन है आप इजीली अटेम्प्ट कर सके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं फिर सम्मेलन की तरफ। सबसे पहला सम्मेलन है 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023। इसका आयोजन जो है फ्रेंड 19 मई को किया गया था, जेद्दा सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान ने की थी फ्रेंड। तो याद रखना फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बन सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन देखे गए हैं एग्जाम के अंदर। तो अगर मैं अरब लीग की बात करूँ, इस सारी की सारी कंट्रियाँ देख सकते हैं फ्रेंड, ये सारी अरब लीग की कंट्री हैं और इसका जो सम्मेलन था वो सऊदी अरब में आयोजन किया गया था। ठीक है, जो बच्चा दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहा है ना, तो वो ज़रूर इस वीडियो कवर करे क्योंकि करंट अफेयर्स में यहाँ से आपका एक से दो क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं। तो आपके 8 से 10 मिनट लगेंगे पर क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ फ्रेंड। छठा हिंद महासागर सम्मेलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, क्योंकि ये हिंद महासागर सम्मेलन है और ये इंडिया की नेबर कंट्रियों के बीच में होता है, इस लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आयोजन जो है आपको याद रखना है 12 से 13 मई को हुआ था ढाका बांग्लादेश में। इसकी अध्यक्षता जो है शेख हसीना पीएम हैं ये बांग्लादेश की, इन्होंने की थी। और इम्पोर्टेंट क्या है, विषय शांति समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। तो छठा हिंद महासागर सम्मेलन जो है ढाका बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया था और इसका विषय भी याद रखना, काफ़ी बार यहाँ से विषय से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, तो विषय भी याद रखना। ठीक है ना, इसके अंदर भारत मेंबर नहीं है। ठीक है, पर जहाँ पे आप देख सकते हो ईरान है, यूएई है, ओमान है, सेशल है, मॉरिशियस है, मेडागास्कर है, तो सारी कंट्रियों के नाम यहाँ पर लिख रखे हैं मैंने, पर भारत इसका मेंबर नहीं है। हाँ, ऑब्जर्वर के तौर पे यहाँ पे हम चले जाते हैं पर इसके हम परमानेंट मेंबर नहीं है। ठीक है, तो छठा हिंद महासागर सम्मेलन इसका आयोजन जो है ढाका बांग्लादेश में किया गया था और अध्यक्षता जो है वहाँ की पीएम, बांग्लादेश की पीएम जो है शेख हसीना ने की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन जो है फ्रेंड 19 से 21 मई हिरोशिमा जापान में की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसके अध्यक्षता जो है, आयोजन जो है आपकी हिरोशिमा में जापान में किया गया था, जो अध्यक्षता है वो जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने की थी। और इसका जो मुख्य बिंदु है, मतलब इसका जो इनका जो मेन फोकस है वो न्यूनतम उत्सर्जन की ओर है कि आने वाले समय में कैसे हम न्यूनतम उत्सर्जन पे काम करें, उसको कम करें, तो इनका मुख्य बिंदु ये था। और अगर हम बात करें 48वें सम्मेलन की, तो जनवरी में की गई थी 2022 में, और जो 50वां सम्मेलन होगा वो इटली में होगा 2024 में। ठीक है ना, आप लोगों को पता है 7 कंट्री आती है, 7 कंट्री के यहाँ पे नाम है, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट। 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन जो है 3 से 4 जुलाई भारत में हुआ था और जो 22वां सम्मेलन जो हुआ था वो उज्बेकिस्तान में हुआ था। आपको पता होना चाहिए, मैंने क्वेश्चन भी कवर करवाया था, जो SCO में जो 9वीं कंट्री अब ऐड हुई है वो है ईरान, वो भी आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 का भारत में आयोजन हुआ था इसका। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 18वां G20 शिखर सम्मेलन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे, तो इसको कवर करके चलना है आप लोगों को। इसका आयोजन भारत में हुआ था ये आपको पता ही है। इसकी थीम याद रखना वसुधैव कुटुंबकम है, मतलब वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये भी पूछ सकते हैं, तो इसको भी दिमाग में रखना है। अध्यक्षता जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। भारत के जो शेरपा हैं वो अमिताभ कांत हैं और पहली G20 शेरपा बैठक जो है उदयपुर राजस्थान में की गई थी, इसको भी दिमाग में रखना है आपको। और 17वां जो सम्मेलन हुआ था आप लोगों को पता होगा, ये बाली इंडोनेशिया में हुआ था। और 19वां सम्मेलन जो है ब्राज़ील में होगा 2024 में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट सम्मेलन जो है 2024 में ब्राज़ील में होगा। ठीक है, यहाँ पे सारी कंट्रियाँ दे रखी हैं जो जो G20 की पार्ट हैं। चलते हैं आगे।
G20 ECSWG बैठक 2023, इसका आयोजन जो है बेंगलुरु भारत में हुआ था, 9 से 11 फरवरी के बीच में हुआ था। और इसका विषय जो रखा गया था, सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, तो याद रखना, पहला G20 ECSWG की बैठक जो है बेंगलुरु भारत, मतलब बेंगलुरु में हुई थी 9 से 11 फरवरी के बीच में। ठीक है, इसका विषय याद रखना, यहाँ से विषय आने के ज़्यादा चांस रहेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2023 जो है, इसका आयोजन जो है स्विट्जरलैंड में किया गया था, दावोस में। और इसका विषय जो है कॉरपोरेशन इन अ फ्रेगमेंट वर्ल्ड। ठीक है, तो विषय भी याद रखना है आपको, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक जो है स्विट्जरलैंड में हुई थी, और इसका विषय यहाँ पे लिखा गया, तो दोनों को याद रखना, आने के चांस हो सकते हैं अभी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022, आयोजन जो है 9 से 22 दिसंबर के बीच में हुआ था, कनाडा मॉन्ट्रियल। इसकी अध्यक्षता इम्पोर्टेंट है क्योंकि चीन ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसलिए इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। आयोजन जो है कनाडा में किया गया था, पर अध्यक्षता जहाँ पे किसने की थी, चीन ने की थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पे किसने किया था, वो थे हमारे पर्यावरण जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने, हमारे हमारे इनके प्रतिनिधित्व थे, इन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया था। और इसमें क्या उद्देश्य इनका, कि 2030 तक के लिए 4 लक्ष्य और 23 के लिए उद्देश्य तय किया गया है। ठीक है ना, तो किस तरीके के यहाँ पे लक्ष्य आने वाले 2030 तक प्राप्त करने, वो सब इसमें डिसीजन लिया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। चलते हैं आगे। COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022, आयोजन मिस्र शर्म अल शेख, 6 से 20 नवंबर के बीच में हुआ था मिस्र में। अध्यक्षता जो है मिस्र के विदेश मंत्री शेकरी ने इसकी अध्यक्षता की थी। भारत का प्रतिनिधित्व हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। इसका विषय डिलीवरी फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। COP26 का आयोजन जो है स्कॉटलैंड में किया गया था 2021 में, और COP28 का आयोजन जो है संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा 2023 में। मतलब कि जो आयोजन होगा वो आपका दिसंबर नवंबर में होता है जनरली, तो 30 नवंबर को जो है अब इसका आने वाला आपको आयोजन देखने को मिलेगा। COP के बारे में थोड़ा याद रखना, आपने काफ़ी बार इसके एग्जाम में क्वेश्चन देखे भी होंगे, तो इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। तो कॉप का यानी कि COP का 27वां राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था, 6 से 20 नवंबर के बीच में। ठीक है, तो अब जो है ये 30 नवंबर को होगा 2023 एंड में, तो इसको याद रखना है। और जो आयोजन जो है संयुक्त अरब अमीरात करेगा 2023 वाला, तो इस चीज़ को आपके दिमाग में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली अटैम्प्ट कर ले, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको लिख के रखना है या इस पे थोड़ा फोकस बना के रखना है। ठीक है, पहला I2U2 शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत चांस है क्वेश्चन आने की, क्योंकि पहला हुआ था I2U2। आई में मतलब इंडिया इसराइल है, यू में UAE और USA, तो इसलिए इसे I2U2 बोलते हैं। आयोजन जो है वर्चुअली हुआ था, भारत की ओर से अध्यक्षता जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। और I2U2 का अब मैंने बता दिया पूर्ण रूप क्या है, इंडिया इसराइल यूएसए यूएई। और इसके मुख्य बिंदु क्या है, इस सम्मेलन में 6 क्षेत्र यानी कि जल ऊर्जा परिवहन अंतरिक्ष स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर विचार चर्चा की गई थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो I2U2 है उसके अंदर 4 कंट्रियाँ हैं, उन चारों का नाम याद रखना। मुख्य बिंदु जल है, ऊर्जा है, परिवहन है, अंतरिक्ष है, स्वास्थ्य है, खाद्य सुरक्षा है। इन चीज़ों पे आपको दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन है इससे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हो सकते हैं। ठीक है, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन जो है फ्रेंड वो स्पेन में आयोजित किया गया था 28 से 30 जून को। इसकी अध्यक्षता जो है नाटो महासचिव जेंस स्टॉल्टेनबर्ग। इसका जो मुख्य बिंदु है, जिनकी मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है, फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में
शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसका जो मुख्य बिंदु था, मतलब कि आपको पता है जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो गया था उसके बाद से इनके ऊपर भी थोड़ा सा खतरा मंडराने लग गया था। उसके बाद से फिर इन दोनों कंट्रियों को भी नाटो के अंदर शामिल किया गया था। और 31वां सम्मेलन जो है ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा और किया गया था, और 33वां जो है लिथुआनिया में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको दिमाग में रखना है, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2022। मेजबानी किसने की थी? चीन ने की थी, अध्यक्षता जो है शी जिनपिंग के द्वारा की गई थी। भारत का प्रतिनिधित्व हमारे प्रधानमंत्री ने किया था वर्चुअली रूप से, और इसमें जो इसका जो उद्देश्य है, इसका जो विषय था वो था फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, उशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, इसका विषय था। 13वां जो था नई दिल्ली में किया गया था 2021 में, और 15वां जो है दक्षिण अफ्रीका 2023 में किया जाएगा। तो इसे भी आपको याद रखना है, जो आने वाला होने वाला है और जो इस बारी हुआ है उन दोनों को, ठीक है? तो इस लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये हमारे मुख्य सम्मेलन थे, इसको आपको दिमाग में रखना है या वीडियो सेव करके रखनी है। जो ये सम्मेलन है यहाँ से 110% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं कि अध्यक्षता कहाँ पे हुई थी, किसने की थी, ठीक है? इस सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। एक बार ये आप अगर देख लेंगे, एक बार ये आप बस निकाल लेंगे, देख लेंगे, नॉर्मली देख लेंगे वीडियो को, तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा कहाँ पे हुआ था। तो ये आपको याद रहेगा, तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा स्ट्राइक कर जाएगा दिमाग के अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक दो बार इसको देख लेना है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो एक से दो नंबर जो जनरली आते हैं वो आप इजिली कवर कर लेंगे यहाँ से, ठीक है? सो सारे सम्मेलन हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में देखे गए हैं, वो सारे ले लिए गए हैं। सो इसी तरह की फ्रेंड वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपके सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें, जो आपकी प्रिपरेशन है अच्छी तरीके से होती रहे, और जो आपका एम है गवर्नमेंट एग्जाम निकालने का वो सफल हो सके, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले समय में जो भी नए करंट अफेयर्स आएंगे वो देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।